Hey, what's up YouTube and how you people are doing? I hope कि आप सब लोग खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। So, आज की वीडियो के टाइटल से आपको तो पता ही चल गया कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आज अबाउट द राइडिंग बूट्स। जैसे कि हमको पता है कि एवरी टाइम हम जब भी राइड करते तो हम मोस्टली दूसरों को सजेस्ट करते हैं कि प्लीज वेयर अ हेलमेट, हेलमेट कीप्स यू सेफ, हेलमेट कैन सेव योर लाइफ, एज वेल एज जो थोड़ा सा मतलब राइडिंग में है उसको हम जैकेट सजेस्ट करते हैं, पैंट सजेस्ट करते हैं, लेकिन बूट्स एक ऐसी चीज है जिसको हम अक्सर निग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब उसको उतना हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। बट योर फीट आर इक्वली इम्पोर्टेंट गाइस। मतलब सोचो अगर कहीं पे खुदा ना खालसा कहीं पे कोई गिरता है और उसको चोट आती है पैरों में तो उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, वो बंदा काम पे नहीं जा पाता, उसकी अर्निंग पे पूरा इफेक्ट होता है। सो दैट इज व्हाई बूट्स आर आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। नाउ व्हाई वी निग्लेक्ट बूट्स, सबसे पहले लैक ऑफ इम्पोर्टेंस, यस। सेकेंडली राइडिंग बूट्स आर टू कॉस्टली। मतलब आप अगर कोई अच्छे ब्रांड का राइडिंग बूट लेने जाओ तो आपको कुछ अराउंड 8000 से लेके 9500 तक आराम से आएगा, उससे भी ज्यादा अगर आपको लेना है तो इट गोज ऑन एंड ऑन। सो दैट इज वाई हम लोग मोस्टली उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, या चलो स्पोर्ट शूज पहन लेते हैं या फिर सेफ्टी शूज पहन लेंगे। सो दैट इज वाई कंपनी लाइक ओराजो हैज कम इन टू द पिक्चर एंड दे हैव मेड अ फैंटास्टिक राइडिंग बूट, ठीक है, तो दैट टू इन अफोर्डेबल प्राइस। सो आज हम बात करने वाले हैं इसकी। दीज आर ओराजो राइडिंग बूट्स। ये जो बूट्स है वो मैंने कुछ 3 दिन पहले खरीदे है फ्रॉम अ शॉप। ऑब्वियसली मैंने ये ऑनलाइन नहीं खरीदे बिकॉज आई बिलीव इन ट्राइंग द थिंग्स फर्स्ट एंड देन मैं उसको खरीदता हूँ। सो या इसको मैंने शॉप से खरीदा है, पुणे से, प्रो बाइकर से, एंड इट हैज कॉस्टेड मी अराउंड 3600। सो अगर आप उनकी साइट पे देखोगे तो इस 3599 मतलब सेम ही हो जाता है। सो खरीदने के इमीडिएटली बाद मैंने उसका कोई भी अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं डाला था बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेस्ट देम। सो मैंने इनको टेस्ट किया एंड देन फिर मैंने सोचा कि अभी इसका मैं वीडियो बना देता हूँ। इसको पहन के मैंने अराउंड 3 दिन पहले मैंने इसको खरीदा है, अराउंड लास्ट 2 डेज से मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसको पहन के। सो आई हैव रिडन अराउंड लाइक 35 to 40 किलोमीटर्स विथ दीज बूट्स एंड अब मैं आपको इसका इनिशियल इम्प्रेशन बताऊंगा। ऑब्वियसली मैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू अपलोड करूंगा मेरी एक लॉन्ग राइड के बाद, बट अभी मेरा इनिशियल इम्प्रेशन मैं आपको बताता हूं। सो सबसे पहले बूट को अगर आप बाहर से देखोगे, दिस इज प्योर लेदर, ये पूरा लेदर से बना हुआ है। देर इज अ ओराजो ब्रांडिंग ओवर हियर, देर इज अ ओराजो लोगो ओवर हियर, द ब्रांडिंग ओवर हियर। देन अगर आप बैक साइड देखोगे, सो दिस इज अ रिफ्लेक्टिव मटेरियल, ओके, दिस इज कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिव। तो अगर आप नाइट में भी राइड करते हो देन इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। मतलब यहां पे अगर किसी गाड़ी का फोकस गिरेगा तो ये ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके। देन द लेदर क्वालिटी इज वेरी गुड। द लेदर विच दे हैव यूज्ड इज एन अब्रेजन रेजिस्टेंट लेदर, सो इसीलिए टो स्लाइडर की कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं बनती, ऐसे उन्होंने कहा है अपने साइट पे। सो या द लेदर क्वालिटी फील्स वेरी गुड। ये जो एरिया है दिस इज लाइक सम एयर पॉकेट्स, जैसे कि आप देख सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। अगर आपको किसी अगर आप में से किसी ने अगर राइडिंग शूज पहने हुए या देखे हुए तो राइडिंग शूज आर सुपर अनकंफर्टेबल, ठीक है, मतलब आप उसको सिर्फ बाइक पे ही पहन सकते हो, उसको पहन के चलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, मैंने मतलब ये मेरे काम पे भी मैं पहन के गया था एंड आई वोर देम अराउंड फॉर 9 आवर्स एंड या आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। इनिशियली जब मैंने पहना था तब मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि टाइट हो रहा है, बट ब्रेक इन होने के बाद इट वॉज वेरी कंफर्टेबल, इट इज फ्लेक्सिबल इनफ, तो आपका जो पैर है वो भी इसमें मुड़ सकता है, मतलब मुड़ सकता है यानी इन अ गुड वे कि ये फ्लेक्सिबल है। कमिंग टू द सोल, तो सोल क्वालिटी इज एक्सीलेंट। ये पीयू सोल है गाइस एंड बिलीव मी दिस इज एंटी स्लिपरी सोल, मतलब एंड द क्वालिटी ऑफ द सोल इट्स वेरी वेरी नाइस।
द इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग जो है वो भी काफी अच्छी है, काफी थिक पैडिंग दी हुई है एंड ये स्वेट रेजिस्टेंट है, तो स्वेटिंग वगैरह भी होता है तो ये अब्सॉर्ब कर लेगा। द शू इज कम्प्लीटली ब्रीदेबल, मतलब एक कन्वेंशनल राइडिंग बूट की तरह ना हो के डेली वेयर के जैसा भी इसको आप पहन सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट थिंग, दिस शू इज सीई सर्टिफाइड। अगर मैं दिखाऊं आपको इसको, ओके सी एंड आईएसओ 2035 2007 CE. So this shoe is CE certified. Again, main thing यहां पे स्टील टो है, so अगर पैर के ऊपर से कोई गाड़ी भी निकल जाती है, कोई कार भी निकल जाती है, तो भी इट विल सेव योर टो बिकॉज देर इज अ स्टील इन इट। ओके ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो शू है दैट इज अ वाटर रेजिस्टेंट शू, तो पानी जो है वो आपके पैरों में एंटर नहीं करेगा अगर आप बारिश में वगैरह पानी चला रहे हो, सॉरी अगर आप बारिश में वगैरह गाड़ी चला रहे हो तो पानी एंटर नहीं करेगा यहां से एंड या अगर आप पानी में भी चलते हो अराउंड यहां तक भी पानी रहेगा तो इट विल नॉट एंटर इन टू योर शू। सो देन अगेन इसमें जो दो वेरियंट आते हैं, सबसे पहला ये है विद वेलक्रो एंड लेस वाला वेरिएंट भी आता है, लेकिन मुझे लेस का वो झंझट नहीं चाहिए था इसीलिए मैंने फिर इसको वेलक्रो वाला लिया। इट्स वेरी इजी टू वेयर एंड निकालने के लिए भी इजी है। इसमें एक बड़ा वाला भी आता है विच इज अप टू योर शिन एरिया, तो दैट इज फॉर अराउंड 4999 रुपीज, मतलब 5000 में इट विल गिव यू प्रोटेक्शन अप टू योर शिन एरिया, तो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। सो बट मुझे अभी के लिए फिलहाल ये अच्छा लगा, सो आई परचेस दिस। सो द इनिशियल इम्प्रेशन इज वेरी गुड अबाउट दिस शूज, अगर आपको लेना है तो आप जरूर इस शूज को ले लीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड फॉर द न्यू राइडर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस्ड राइडर ऑल्सो अनलेस यू डोंट गो ऑन अ ट्रैक। सो दैट वॉज अबाउट इट गाइज, माई फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट द ओराजो या फिर ओराजो राइडिंग शूज। ओके, सो यहां पे लिखा है ओराजो मोटरसाइकिलिंग बूट्स, सो मुझे तो काफी अच्छे लगे, अभी देखते हैं कि आगे आगे कि कैसे मतलब कंफर्टेबल है या फिर क्या कैसे काम करता है अपना। ओके, तो अपना जो फुल रिव्यू है मैं अपनी नेक्स्ट राइड के बाद, जो लंबी राइड है उसके बाद में पोस्ट करूंगा, तो स्टे ट्यून्ड। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड मेरे जितने भी राइडिंग वीडियोस है या फिर मोटरसाइकिल रिलेटेड वीडियोस है वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। सो विद दैट सेड गाइस, आई वुड लाइक टू टेक योर लीव नाउ। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके कमेंट में बता देना कि आपको क्या पसंद नहीं आया, ऐसे ही छोड़ के मत जाना यार। मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।